नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की ताजा फड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहली खबर में आपको बताएंगे सीमा हैदर को लेकर बड़ा खुलासा। सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी में है मेजर, असली नाम है सामिया रहमान। खुलासे के बाद योगी और मोदी सरकार की उड़ी नींदें। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, बीजेपी के 100 नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे इंडिया से भारत नाम करने को लेकर केजरीवाल का मोदी पर हमला, कहा इंडिया से डरी बीजेपी देश का नाम बदलने की कर रही है कोशिश, विपक्ष ने भारत नाम रख लिया तो क्या करेगी मोदी सरकार। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी से बुरी तरह बौखलाए मोदी, राहुल गांधी की लोकसभा सत्र रद्द हो, मोदी सरनेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर दाखिल हुई याचिका। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ संपन्न, 8 अगस्त को आएंगे नतीजे। बीजेपी का हो सकता है शिवपड़ा शाप, इंडिया गठबंधन जीत सकता है 7 की 7 सीटें। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे रिलीज से पहले ही शाहरुख खान की फिल्म जवान का कहर, एडवांस बुकिंग से कमाए इतने करोड़, देखकर गोबर भक्तों की बाइकॉट, गैंग की उड़ी नींदें। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे इंडिया नाम बदलने को लेकर जेडीयू का मोदी पर हमला, कहा लाल आंख और 56 इंच भाजपा इंडिया से डरे, ये डर अच्छा है। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर के अलावा शामिल सीमा हैदर को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी आर्मी में मेजर है सीमा हैदर, असली नाम है सामिया रहमान। खुलासे के बाद योगी और मोदी की उड़ी नींदें। दरअसल आपको बता दें सोशल मीडिया के जरिए नौजवान सचिन को अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद नेपाल के जरिए भारत पहुंचने वाली पाकिस्तानी गद्दार सीमा हैदर को लेकर आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और पीएम मोदी की नींद उड़ गई है। खुलासे के मुताबिक सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी यानी कि सेना की मेजर है और उसका नाम सीमा हैदर नहीं बल्कि असली नाम सामिया रहमान है और वो पाकिस्तानी आर्मी से ताल्लुक रखती है। ये खुलासा वेरीफाइड अकाउंट भगवा क्रांति ने किया है, जिसके बाद योगी और मोदी सरकार की पूरी तरीके से नींद उड़ गई है। अब बड़ा एक्शन यूपी के सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी गद्दार सीमा हैदर पर ले सकते हैं, जो सबसे बड़ा खुलासा गद्दार सीमा हैदर को लेकर आज हुआ है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर के अलावा शामिल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को तगड़ा झटका, बीजेपी के 100 लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन। दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनावों से पहले आज मोदी और अमित शाह को छत्तीसगढ़ से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ के करबदा जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के करीब 100 लोगों ने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस विधायक ममता चंद्रा कर के सामने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। सभी बीजेपी नेताओं का दावा है कि सीएम भूपेश बघेल के कार्यों से प्रभावित होकर आज हमने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले मोदी और अमित शाह के लिए बड़ा झटका है। इसी के साथ उसने बड़ी खबर के शानी राहुल गांधी से बुरी तरह बौखलाई मोदी सरकार, राहुल गांधी की लोकसभा सत्र रद्द हो, मोदी सरनेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर दाखिल हुई याचिका। दरअसल आपको बता दें मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वकील अशोक कुमार पांडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाली की लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। वकील अशोक पांडे ने याचिका में कहा कि एक बार संसद या विधानसभा का सदस्य कानूनी तौर पर अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य ठहराया जाएगा जब तक कि वह किसी बड़ी अदालत द्वारा पूरी तरीके से उसे आरोप से बरी न कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि सिर्फ दो सिद्धि पर रोक लगने से सदस्यता बहाल नहीं होनी चाहिए, सदस्यता तब बहाल होनी चाहिए जब ऊपरी अदालत सभी आरोपों से परी कर दे, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता को एक बार फिर से खत्म किया जाए और उनकी सांसदी को छीना जाए, जो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से भाजपा बौखला गई है। साथ उसने बड़ी खबर के अलावा केजरीवाल का मोदी पर बड़ा हमला, कहा इंडिया गठबंधन से डरी बीजेपी देश का नाम बदलने की कर रही कोशिश, विपक्ष ने भारत नाम रख लिया तो क्या करेगी बीजेपी। दरअसल आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार द्वारा देश का नाम इंडिया हटाकर केवल भारत करने की चर्चाओं पर जोरदार हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है और इसलिए देश का नाम इंडिया से भारत में बदलने का प्रयास कर रही है।
केजरीवाल ने कहा कि मैं पूछ रहा हूं कि अगर हम अपने गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दें तो क्या वे क्या करेंगे, विदेश का नाम बदलकर बीजेपी कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि भारत 1000 साल पुराना देश है और बीजेपी का प्रस्तावित नाम परिवर्तन पूरी तरीके से विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बारे में उनकी चिंताओं और कुछ अतिरिक्त वोट हासिल करने की उम्मीदों के कारण है। केजरीवाल ने कहा कि इंडिया नाम बदलकर भारत क्यों किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नाम की वजह से अगर कुछ पार्टियों का नाम इंडिया हो जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, कुछ पार्टियों का थोड़ी है। मान लीजिए गठबंधन का नाम बदलकर कल भारत हो गया तो क्या भारत भी बदल देंगे? फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रख देंगे? ये क्या मजाक है? इनके 4 वोट कम हो जाएंगे तो देश का नाम बदल देंगे? ये तो देश के साथ गद्दारी है। जो बड़ी अपडेट, बड़ा हमला केजरीवाल ने मोदी पर बोला है। इसी के साथ उसकी बड़ी की मटकाल केशन, यूपी समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ संपन्न। 8 अगस्त को आएंगे नतीजे, बीजेपी एनडीए का हो सकता है सफाया। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की 1-1 सीट और त्रिपुरा की 2 सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई थी, जो कि संपन्न हो चुकी है। अब इसके नतीजे 8 अगस्त को आएंगे। ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए बेहद अहम है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी साल नवंबर दिसंबर में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखना होगा 8 अगस्त को इन 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए वोटिंग खुलेगी और वोटों की गिनती होगी। अब देखते हैं कौन सा दल जीतता है। क्या इंडिया बीजेपी का सातों की सातों विधानसभा सीटों पर शूपड़ा शाप करेगा या एनडीए कुछ कमाल कर पाएगा। इसी के साथ उसकी पढ़ की मनकाल के, इंडिया का नाम बदलने को लेकर जेडीयू का मोदी पर हमला। कहा लाल आंख और 56 इंच भाजपाई इंडिया से डरे, ये डर अच्छा है। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। इसको लेकर अब जेडीयू ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग की है। उन्होंने भारत के संविधान में संशोधन कर इंडिया का नाम भारत करने की मांग की है। ये कहते हुए कि इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है, उनको ज्ञान की कमी है, चंद्रयान पर से ये पढ़कर आए हैं। हम लोगों के इंडिया गठबंधन से बीजेपी और मोदी सरकार डर गई है, इसलिए इंडिया शब्द को हटाना चाहती है। जेडीयू नेता ने कहा कि हम लोग अपने गठबंधन का नाम भारत रखते हैं तो मोदी सरकार भारत शब्द भी हटा देगी। संसद का विशेष सत्र 18 और 22 तक है, मोदी सरकार चाहकर भी इंडिया शब्द को नहीं हटा पाएगी। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, बीजेपी ऐसा करेगी तो जनता 2024 में उखाड़ फेंकेगी। जेडीयू ने हमला बोलते हुए कहा कि लाल आंख और 56 इंच का फर्जी दम भरने वाले भाजपाई अब इंडिया से डर रहे हैं, ये डर अच्छा है। अभी जो केंद्र में है वो हारेंगे। जो बड़ी अपडेट है, इसी के साथ उसकी पढ़ की मटकाल के, रिलीज से पहले ही शाहरुख खान की जबान का कहर, एडवांस बुकिंग से कमाए इतने करोड़ मचा बवाल। दरअसल आपको बता दें, शाहरुख खान की जवान फिल्म का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोला है। पठान के बाद लोग इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हैं, जिसका अंदाजा आप इस फिल्म की एडवांस बुकिंग से लगा सकते हैं। ये फिल्म 7 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी। फिल्म रिलीज होने से पहले थिएटरों में कमाई की झमाझम बरसात हो रही है। कुछ थिएटर फुल हो चुके हैं तो कुछ में सुबह के शो भी भर गए हैं। जानिए जवान फिल्म का अब तक का एडवांस बुकिंग में क्या हाल है। सेक निक्स के अनुसार बीते 2 दिनों में फिल्म के 4 लाख से ज्यादा टिकट बुक चुके हैं। इस टिकट में से जवान 13 करोड़ से ज्यादा का एडवांस ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। अगर सिर्फ नेशनल सिनेमा चेन्स की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, यानी कि जवान शाहरुख खान की फिल्म पहले ही दिन 75 से 90 करोड़ रुपए कमाने जा रही है, जो कि गोबर भक्तों की बाइकॉट गैंग को जोरदार झटका। इसके साथ उसकी बड़ी की मटकाल के, विकास दुबे मामले में 23 दोषियों को 10-10 साल की सजा, 7 आरोपी दोष मुक्त। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर के चर्चित बिकरू कांड से जुड़े गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने आज दोषियों को सजा सुनाई है। कानपुर देहाती गैंगस्टर कोर्ट ने कुख्यात विकास दुबे के गैंग से जुड़े
23 दोषियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वही गैंगस्टर कोर्ट ने इस मामले में 7 आरोपियों को भी बरी भी कर दिया है। बता दें कि कानपुर के बिकरू कांड की घटना 2 जुलाई 2020 की है, जहाँ चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गाँव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे के गुर्गों ने फायरिंग की थी। इस फायरिंग में 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस ने 30 आरोपियों पर गैंगस्टर का मामला दर्ज करके उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजी थी। इसी मामले की सुनवाई एडीजी 5 दुर्गेश की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने मामले में 23 आरोपियों को दोष सिद्ध किया, जबकि 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। जो बड़ी अपडेट है।